शुक्र है भगवान का स्वर्णा को कुछ नहीं हुआ। बड़ी भला छोटे में टल गई, उसके लिए तो टल गई भाभी माँ, पर पता नहीं इस सब का नायरा की जिंदगी पर क्या असर होगा। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी रिश्तों के बंधने की वो मिटती हुई नजर आ रही है। रक्षा करना भगवान। सिस्टर ये मेडिसिन और इंजेक्शन। नायरा कहाँ है? पापा भी नहीं है। चली गई वो। नैतिक जी के साथ चली गई वो। थक गए हम लोग। नायरा और मेरे भी कुछ नहीं है मौत, और ना कभी कुछ होगा। आप सुन रही हैं हम? आपका बेटा आपके साथ ही रहेगा हमेशा। आपको भरोसा है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा माँ जिससे आपको खुद दुख या तकलीफ हो। मैं समझ सकती हूँ माँ से जो कहा, मेरी सुनो। I'm sorry, मैं माँ को खो नहीं सकता ना। समझ सकती हूँ कार्त, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि माँ को खोने के बाद क्या फर्क पड़ता है ये हम दोनों अच्छे से जानते हैं। माँ को कुछ होता है ना नायरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बहुत गिल्टी फील होता है मुझे, इतना कुछ किया उन्होंने मेरे लिए, और मैं कम से कम उन्हें हर्ट तो ना करूं। तो शायद इस कोशिश में मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। कार्तिक, I'm fine। माँ ने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है कोई भी नहीं कर सकता, तो तुम्हें भी उनके लिए उतना ही कुछ करना चाहिए, उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना उन्होंने तुम्हारा रखा। आपकी नाराजगी की वजह मैं हूं, उनके एक्सीडेंट की वजह भी मैं हूं। वो कॉलेज चाहिए थी तुमसे मिलने, और शायद उन्होंने हमें देख के आओ। I'm sorry, God. I'm sorry. ये कहां आकर खड़े हो गए हम? ना वापस पीछे जा सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं। अब जो है जैसा है यही है करते, हम कुछ कर नहीं सकते। करना होगा, कुछ तो करना होगा कार्त। इस तरह नहीं जी सकते जिंदगी भर। दिया तुमने सा मैं बुरा लगा, जानता हूं तुम्हारी जगह होता तो मुझे भी बहुत बुरा लगता। तुमने सुना वो जो मैंने कहा मां से, हमारे बीच कुछ नहीं है वाली बात? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या, तुम मेरी जगह होती तो क्या कहती? अब समझ में भी नहीं आ रहा सच है या झूठ। समझना मुश्किल है, समझाना और भी ज्यादा मुश्किल है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरा मतलब
दो साल से तो हम अलग ही है, साथ नहीं है। और जब जब मिले तो क्या मतलब से सच भी कहा या नहीं, या फिर कोई झूठ, मुझे खुद नहीं पता नायरा और मेरे बीच। I don't know, नहीं पता। बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है मैंने मम्मा, प्लीज आप मेरा साथ देना। नक्श, अब उनकी तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है पापा। कीर्ति नहीं आई? कीर्ति दादी के साथ है, उनके घर पे, और बाकी सब लोग हॉस्पिटल में। अच्छा, मैं गीजर ऑन कर देता हूँ, तुम नहा लेना, तब तक खाना तैयार हो जाएगा, तुम खा भी लेना और हॉस्पिटल भी ले जाना। तो ठीक तो है ना नायरा? देख, जो कुछ भी चाची ने कहा है ना, उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसके बारे में नहीं सोच रही थी भाई, मैं तो कुछ और भाई, मुझे आपकी हेल्प चाहिए और आपका सपोर्ट भी। आप मेरा साथ देंगे ना? पापा भाभी, किसे क्या कहूँ, कहूँ भी या नहीं समझ ही नहीं आ रहा है। शायद उन्हें इन्वॉल्व करना ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी बात नहीं समझेंगे, मुझे पता है। पर आई नो आप मेरी बात जरूर समझेंगे, आप मेरा साथ देंगे ना भाई। मैं जो करना चाहती हूँ वो अकेले नहीं कर पाऊंगी। बोल नायरा, तू क्या करना चाहती है? मुझे हिम्मत देना भगवान जी कि मैंने जो फैसला लिया है उस पर टिकी रह सको। हाँ नक्श, बोलो। दादी, आपसे काम था। क्यों बेटा, उस कागज की क्या जरूरत है? शायद वही जो आप सोच रहे हैं, आपके सवाल का वही जवाब है। पर नक्श बेटा, एक बार तुम समझाओ ना उसे। नहीं दादी, उसने बस मेरा साथ मांगा, वो मैं दे रहा हूँ, बिना किसी सवाल, बिना किसी सवाल के। उसने अगर ये फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।